नमस्कार और आप देखें पल पल। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में एमटीपी किट भेजते हुए महिला कर्मचारी को काबू किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए आरोपी महिला को काबू किया। ठेके पर कार्यरत है ये महिला कर्मचारी। नागरिक अस्पताल से चुरा करके अवैध तरीके से बेच रही थी एमटीपी किट। इस किट का प्रयोग गर्भ को गिराने के लिए किया जाता है। बिना डॉक्टर की पर्ची के एमटीपी किट बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों काबू कर लिया। पलवल फतेहगढ़ से राजेश भाई। आपको बता दें कि महिला कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नागरिक अस्पताल में तैनात है। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। सीएमओ ने जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि उक्त महिला कर्मी सरकारी सप्लाई में आने वाली एमटीपी किट बेच रही है। स्वास्थ्य विभाग ने योजना बना करके उक्त महिला कर्मी को रंगे हाथों काबू कर लिया। वही बताया गया कि नजदीकी गांव की एक गर्भवती महिला बीते दिन डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए आई थी। उसके उसी गांव की एक आशा वर्कर भी उसके साथ आई। महिला डॉक्टर न होने के कारण उसे शनिवार को बुलाया गया, लेकिन शनिवार को जब डॉक्टर नहीं मिली तो गर्भवती महिला व आशा वर्कर की मुलाकात अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी रितु से हो गई। उसने 1200 रुपये में एमटीपी किट देने की बात कही, लेकिन शनिवार को आशा वर्कर वह गर्भवती महिला के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण उसे सोमवार को बुलाया गया। आशा वर्कर ने इसकी स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी, जिसकी सूचना सिविल सर्जन के निर्देशन के बाद में एक टीम का गठन किया गया और अस्पताल में उसे तैनात कर दिया गया। गर्भवती महिला व आशा वर्कर सोमवार को जब अस्पताल में पहुँच गई, इस दौरान अस्पताल में तैनात आरोपी महिला कर्मी ने 1200 रुपये में एमटीपी किट देने की बात कही और सौदा 1100 रुपये में तय हो गया। लेकिन जैसे ही उसने महिला कर्मी को 1100 रुपये दिए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे एमटीपी किट देते हुए तुरंत काबू कर लिया। सीएमओ वीरेश भूषण का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है और आरोपी महिला के खिलाफ एमटीपी किट के तहत एक्ट के तहत अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज करवाया गया है। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। खबर आई थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक जनरल ड्यूटी अटेंडेंट है, वो 1200 रुपये में किट जो है एमटीपी की वो उपलब्ध करा देती है। तो उसके ऊपर आज एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने आके एक डिकॉय पेशेंट को भेजा और उस लड़की ने 4 गोलियां, एक मेसोप्रॉक्स की और एक मेथोट्रेक्सोन की गोली जो है वो उसको दे दी लड़की को, और उसके बाद उसने 1100 रुपये लिए। और ये एक एमटीपी किट है जिसके साथ गर्भपात हो जाता है। ये आउटसोर्सिंग में जनरल ड्यूटी अटेंडेंट है। FIR लॉन्च करवा दी गई है MTP एक्ट और IPC की 420 के तहत और MTP एक्ट। हमने पुलिस के हवाले कर दिया जी और FIR लॉन्च करवा दी। ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ।